आज के वीडियो में हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 7 हम लोग देख रहे हैं। चैप्टर 7 का नाम है इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन चैप्टर जो है क्लास 12 का चैप्टर 7 है। इवोल्यूशन में हम लोग देख रहे हैं कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बारे में हम लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पे कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजी जो है किसका स्टडी करता है, कहता है स्टडी ऑफ हिस्ट्री। ये स्टडी ऑफ हिस्ट्री करता है किसका, हिस्ट्री लाइफ फॉर्म का। ये लाइफ फॉर्म जो है कहाँ पे, ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर जो लाइफ फॉर्म है उसके बारे में ये स्टडी करता है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। आगे बता रहा है ये, आगे हम लोग इसमें देख रहे हैं कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ये जो देख रहे हैं हम लोग इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, डिफरेंट चेंजेस इन फ्लोरा एंड फ्यूना अराउंड अर्थ दैट को एग्जिस्ट अलॉन्ग विद द ह्यूमन बींग ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इवोल्यूशन। जो इसमें हम लोग देख रहे हैं इवोल्यूशन में हम लोग जो देख रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना, फ्लोरा जो पेड़ पौधे हैं ये फ्लोरा है, फ्यूना जो एनिमल्स हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। इसको तो हम लोग देख ही रहे हैं। इसके साथ में जो है हम लोग देख रहे हैं इवोल्यूशन, जो ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन हो रहा है, ह्यूमन का किस तरह से एवोल्यूशन हुआ है ये भी हम लोग इसमें देख रहे हैं कि ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हुआ है ऑल्सो फॉर्म, ह्यूमन बीइंग आर ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इवोल्यूशन। तो इसमें हम लोग पार्ट ऑफ इवोल्यूशन में हम लोग देख रहे हैं कि ह्यूमन फ्लोरा एंड फूना जो है इसके साथ में ह्यूमन बीइंग के एवोल्यूशन को भी हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये जो ओरिजिन हुआ लाइफ का ऑन अर्थ में, ये कैसे ये ओरिजिन हुआ, कह रहा है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसीडर्ड यूनिक इवेंट। ये जो ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ अर्थ में ये क्या है, ये यूनिक इवेंट है, मास्टरपीस, सिंगल पीस है इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स के में जो है ये लाइफ की उत्पत्ति होना ये यूनिक पॉइंट है। कह रहा है कि ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइसेस यूनिवर्स। यूनिवर्स कैसे बना है ये यूनिवर्स, कह रहा है कि ह्यूज गैलेक्सीज कंप्राइसेस द यूनिवर्स, बहुत सारे जो है गैलेक्सीज से ये बना है यूनिवर्स। कह रहा है कि गैलेक्सी कंटेन स्टार्स, ये गैलेक्सी में क्या होता है, इसमें स्टार होता है, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक होता है। तो गैलेक्सी जो है कंटेन स्टार एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक। कह रहा है कि बिग बैंग थ्योरी जो है, अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ये ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ है इसके बारे में बिग बैंग थ्योरी ये बता रहा है। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ए ह्यूज एक्सप्लोजन ऑकर, क्या हुआ, एक एक्सप्लोजन ऑकर दैट फॉर्म्स द डिफरेंट गैलेक्सीज। ह्यूज एक्सप्लोजन के बाद जो है फॉर्म हुआ डिफरेंट गैलेक्सीज, ये फॉर्म हुआ। कह रहा है कि इन सोलर सिस्टम ऑफ मिल्की वे गैलेक्सीज, ये जो हम लोग का है मिल्की वे गैलेक्सीज जो है इसके बारे में बता रहा है। इन सोलर सिस्टम ऑफ मिल्की वे गैलेक्सीज, कह रहा है कि अर्थ हैज़ बीन सपोर्टेड टू फॉर्म, ये जो अर्थ हैज़ बीन सपोर्टेड टू फॉर्म अराउंड अबाउट 4.5, ये 4.5 बिलियन ईयर अगो। अर्थ का ओरिजिन कब हुआ है, ये 4.5 बिलियन ईयर अगो हुआ है। कह रहा है कि देयर वॉज नो एटमोसफेयर, उस समय कोई एटमोसफेयर नहीं था,
देर वॉज नो एटमोसफेयर इन अर्ली अर्थ, जब अर्थ बना था उस समय देर वॉज नो एटमोसफेयर, नो एटमोसफेयर, एटमोसफेयर नहीं था उस समय। कह रहा है कि वाटर वेपर, ये वाटर वेपर मीथेन और कार्बन, वाटर वेपर मीथेन और कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जो है अमोनिया, हम लोग ये देखते हैं साथ में, क्या देखते हैं हम लोग, अमोनिया हम लोग देखते हैं, ये अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अमोनिया, ए रिलीज्ड फ्रॉम मोल्टन मास, ये क्या हुआ उस समय, ये रिलीज हुआ कहाँ से, मोल्टन मास, कवर्ड इट्स सरफेस, ये अर्थ सरफेस को कवर्ड किया। इसके बाद हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि यूवी रेज फ्रॉम सन, ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं कहाँ से ये आई, फ्रॉम सन, सन से, ये क्या किया, स्प्लिट वाटर, वाटर को तोड़ दिया, किस में तोड़ दिया वाटर को, इन टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वाटर जो है ये टूटा किस में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, किसके कारण टूटा, ये यूवी रेज के कारण ये वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। कह रहा है कि लाइफ अपीयर्ड, लाइफ जो है उसकी शुरुआत कब हुई, 500 मिलियन ईयर अगो, लाइफ की शुरुआत कब हुई अर्थ में, 500 मिलियन ईयर अगो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ये जब फॉर्मेशन ऑफ अर्थ हो गया उसके बाद ये लाइफ का अराइवल हुआ अर्थ पे। कह रहा है कि देयर आर डिफरेंट थ्योरीज, कह रहा है कि इसके संबंध में डिफरेंट थ्योरीज हैं, किस चीज़ के लिए डिफरेंट थ्योरीज हैं, रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ इसके बारे में डिफरेंट थ्योरीज हैं, क्या डिफरेंट थ्योरीज हैं, ये रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पे लाइफ की उत्पत्ति कैसी हुई इसके बारे में डिफरेंट थ्योरीज हैं। कह रहा है कि सम साइंटिस्ट बिलीव, कुछ ये सोचते हैं, सम साइंटिस्ट बिलीव दैट लाइफ कम फ्रॉम अनदर, अनदर प्लैनेट्स, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि अदर, अदर जो है प्लैनेट से, ये अदर प्लैनेट से ये आया। ये कह रहा है कि अर्ली ग्रीक थिंकर, जो ग्रीक थिंकर थे वो थॉट दैट यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड स्पोर्स, ये यूनिट ऑफ जो लाइफ है इसको स्पोर्स वो उन्होंने कहा, और कहा कि ट्रांसफर्ड फ्रॉम अदर प्लैनेट्स, ये कहाँ से आया हुआ है, ये ट्रांसफर्ड फ्रॉम अदर प्लैनेट से ये आया हुआ है। अकॉर्डिंग टू अदर थ्योरी, फिर एक दूसरे थ्योरी के अनुसार, अदर थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अदर थ्योरी लाइफ कम्स फ्रॉम, लाइफ कम फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, दूसरा थ्योरी क्या कर रहा है कि लाइफ कैसे आया है, लाइफ कर रहा है कि ये डेड एंड डिकेइंग मैटर के थ्रू आया है, ये डेड और डिकेइंग मैटर के थ्रू आया है, लाइक ए स्ट्रॉ, क्या है ये, जैसे स्ट्रॉ एंड मड, ये जो है मड के चलते, ये जो है स्ट्रॉ एंड मड के चलते ये आया है। कह रहा है कि दिस थ्योरी कॉल्ड थ्योरी ऑफ एस्पोटेनियस ओरिजिन, इस थ्योरी को क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ एस्पोटेनियस ओरिजिन कहते हैं, जिसमें ये बता रहा है कि स्ट्रॉ एंड मड के चलते आया है, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ एस्पोटेनियस ओरिजिन, इसको बोलते हैं, इसको थ्योरी ऑफ एस्पोटेनियस ओरिजिन बोलते हैं। इसके बाद बता रहा है कि लुईस पाश्चर एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का क्या नाम था, लुईस पाश्चर, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, क्या प्रूफ किया इन्होंने, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि लाइव एराइजेज, ये जो लाइव एराइजेज ओनली फ्रॉम, कहाँ से लाइफ अराइज हो रहा है, लाइफ अराइजेज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, इन्होंने बताया कि लाइफ जो है केवल प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है, उसी से ये लाइफ आ रहा है, लाइफ अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, इसे किसने कहा, इसे जो है कहा लुईस पाश्चर ने कहा। कह रहा है आगे कि स्पोटेनियस थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ इज
डिसिमिटेटेड डिसमिस्ड, ये जो है बता रहा है कि स्पोटेनियस थ्योरी जो है इसको डिसमिस कर दिया गया। स्पोटेनियस थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ इज डिसमिस्ड, इसको डिसमिस कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। आफ्टर दैट ओपरिन एंड हेल्डन प्रपोज दैट, ये एक दूसरे साइंटिस्ट थे ओपरिन और हेल्डन, हेल्डन ये प्रपोज किए, क्या प्रपोज किए, ये प्रपोज किए कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, ये जो पहली बार जो लाइफ आया फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग। इन्होंने कहा कि प्री एग्जिस्टिंग जो है पहले से नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कहा इन्होंने कि जो आरएनए है, जो प्रोटीन है, आरएनए और प्रोटीन है प्री लिविंग नॉन एग्जिस्टेंस जो है, ये प्री लिविंग जो है, ये प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं। क्या क्या है, ये आरएनए है, प्रोटीन है, लाइफ इससे आया। आगे कहें उन्होंने कि द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ प्रोसीड बाई केमिकल एवोल्यूशन, ये कह रहा है कि जो फॉर्मेशन ऑफ लाइफ हुआ है वो कैसे प्रोसीड किया है, कह रहा है तो कि ये केमिकल एवोल्यूशन के थ्रू ये प्रोसीड किया है। आगे बता रहा है कि एट दैट टाइम कंडीशन ऑन अर्थ वॉज हाई टेम्परेचर, उस समय क्या था, हाई टेम्परेचर था जब लाइफ की उत्पत्ति हो रही थी, और वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, इसके अलावा रिड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन था, उसमें क्या था, कंटेनिंग CH4 मीथेन और NH3 अमोनिया था उसमें। कह रहा है आगे कि मिलर एक्सपेरिमेंट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये जो मिलर का एक एक्सपेरिमेंट है, क्या है एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये SL मिलर थे, इन्होंने 1953 में एक्सपेरिमेंट किया, 1953 में क्या किया, कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट ये कंडक्ट किया, टू शो क्या, इन्होंने शो किया ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इन ए फिजिकल इन्वायरमेंट, कहाँ पे, फिजिकल इन्वायरमेंट सिमिलर टू कंडीशन प्रिवेल एट दैट टाइम। इन्होंने इन्वायरमेंट बनाया, कैसा इन्वायरमेंट बनाया, सिमिलर कंडीशन बनाया जो प्रिवेल एट दैट टाइम, जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हो रहा था उस समय के जैसा इन्होंने सिमिलर कंडीशन बनाया। ये यहाँ पे देखा जा सकता है, ये एक्सपेरिमेंट में क्या लिया गया है, ये इलेक्ट्रोड लिया गया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया गया, इसमें मीथेन NH3 H2O और H2 ये लिया गया, ये वाटर आउट जा रहा है, कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा है, वाटर इन हो रहा है, वाटर ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है टू वैक्यूम पंप, यहाँ पे भी दिया गया है, ये वैक्यूम पंप यहाँ पे दिया गया है, इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया जो कि ओरिजिन ऑफ लाइफ के समय ये इन्वायरमेंट था, काफ़ी हाई टेम्परेचर था, वॉल्केनिक था और ये सारे केमिकल्स थे उस समय, तो ये ले के जो है एक्सपेरिमेंट यहाँ पे ये किया गया। तो ये जो है तो कह रहा है कि मिलर क्रिएटेड, ये मिलर साहब जो थे, मिलर साहब क्रिएटेड, इन्होंने क्रिएट किया, क्या क्रिएट किया, सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक स्पार्क के थ्रू जो है यहाँ पे सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे इन्होंने किया, और प्रेशर भी किया, कहाँ किया, इन लेबोरेटरी स्केल, कह रहा है कि ही क्रिएटेड, उन्होंने क्रिएट किया, क्या क्रिएट किया कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन ए फ्लास्क, ये जो है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यहाँ पे जैसे ऊपर डायग्राम में दिखाया गया है, इन ए फ्लास्क कंटेनिंग, फ्लास्क में क्या क्या था,
फ्लास्क में मीथेन था, हाइड्रोजन था, अमोनिया था और क्या था, वाटर वेपर था। एट 8000 डिग्री सेल्सियस जो है इसका टेम्परेचर यहाँ पे दिया गया। कह रहा है कि ही ऑब्जर्व्ड फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड, उन्होंने क्या देखा, ही ऑब्जर्व्ड द फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड इन द फ्लास्क। फ्लास्क में उन्होंने क्या देखा कि एमिनो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है आफ्टर 15 डेज ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। 15 दिन तक उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया तो देखा उन्होंने कि एमिनो एसिड का फॉर्मेशन ये हो रहा है। कह रहा है कि सिमिलर एक्सपेरिमेंट बाय अदर साइंटिस्ट फाउंड फॉर्मेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड पिगमेंट्स एंड फैट। इसी तरह का सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर साइंटिस्ट ने किया तो उनको शुगर मिला, नाइट्रोजनस बेस मिला, पिगमेंट्स मिले और क्या मिला, फैट मिला। यहाँ पे आगे बता रहा है कि एनालिसिस ऑफ मेरियोराइट, मेटियोराइट जो ऊपर से आकाश से गिरते हैं, ये मेटियोराइट कंसिस्ट आल्सो प्रिवेल सिमिलर, इसमें सिमिलर कंपाउंड्स होते हैं, मेटियोराइट्स में जो होते हैं सिमिलर कंपाउंड्स होते हैं, दैट रिवील दैट सिमिलर प्रोसेस। ये बता रहा है कि उसमें भी सिमिलर प्रोसेस हो सकता है, आर ऑकरिंग एल्सवेयर इन द स्पेस, इसी तरह का सिमिलर प्रोसेस हो रहा है, आर ऑकरिंग एल्सवेयर इन द स्पेस। कह रहा है कि दिस एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, ये जो है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ, किस चीज़ के बारे में, ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कॉल्ड, इसको हम लोग कहते हैं केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, इसको जो है केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ कहते हैं। अब आगे देख रहे हैं हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिलर एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिलर एक्सपेरिमेंट टॉपिक के बारे में हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिलर एक्सपेरिमेंट। ये बता रहा है कि द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, ये किसके बारे में बता रहा है, ये कह रहा है कि द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, पहला जो है नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ है उसके बारे में बता रहा है। कह रहा है कि कुड हैव ओरिजिनेट, ये जो है संभवतः ओरिजिनेट कब किया, 3 बिलियन ईयर अगो किया। ये कह रहा है कि दे कुड हैव बीन गेंट मॉलिक्यूल लाइक, उनको क्या मिला उस समय, ये आरएनए, उस समय क्या हुआ, प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड ये बना होगा। उसके बाद ये बता रहा है कि द सेलर फॉर्म ऑफ लाइफ वॉज प्रोबेबली सिंगल सेल, कह रहा है कि जब सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो आया वो प्रोबेबली संभवतः क्या था, वो सिंगल सेल था। एंड ओरिजिनेट इन वाटर मीडियम, वो सिंगल सेल कहाँ ओरिजिनेट किया, वो वाटर मीडियम में ओरिजिनेट किया। कह रहा है कि द थ्योरी दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ एरोज slowly through evolutionary form from non-living molecule is called biogenesis। कह रहा है कि biogenesis कहते हैं, biogenesis किसको कहते हैं, कह रहा है कि life form arise जो किया evolutionary process के through non-living form से लिविंग फॉर्म आया, इसको बायोजेनेसिस कहते हैं। कह रहा है कि अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन नेक्स्ट टॉपिक ये है। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में हम लोग देख रहे हैं कि एविडेंस दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म
reforms has take place on earth have many proof as mentioned below. कह रहा है कि बहुत सारे example दिए गए हैं as mentioned below. ये evidence of evolution, evolution हुआ है इसके बारे में ये proof दिया जा रहा है. पहला proof कह रहा है paleontological evidences. ये paleontological evidences ये बता रहा है. तो paleontological evidences क्या है? कह रहा है कि different aged rock sediments, जो अलग अलग पत्थर के टुकड़े हैं, contain fossils of different life. इसमें क्या होता है? Fossils होता है. Fossils किसका होता है? Different life form का होता है. That probably died during formation of particular sediments. ये क्या हो गया? ये form, वो जो है form किया था कब? Probably died. वो मर गया था during formation of particular sediments. जब particular sediments वो उस समय ये था. कह रहा है कि fossils are remains of. Fossils क्या है ये? Fossils remains हैं ये. क्या चीज़ के remains हैं? ये remains हैं hard part of life form around in rock. ये जो भी plant या animal हैं, part of life था ये, found in rocks. जो पत्थर में पाया गया life का forms, वो fossils था. कह रहा है कि study show that different form varies over time and certain life form are restricted geological time span. कह रहा है कि टाइम एंड सर्टन लाइफ फॉर्म आर रिस्ट्रिक्टेड जियोलॉजिकल टाइम स्पेन. कह रहा है कि हैंस न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ हैव अराइज एट डिफरेंट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ अर्थ. ये इन हिस्ट्री ऑफ अर्थ. दूसरा पॉइंट बता रहा है होमोलोगस ऑर्गन. ये होमोलोगस ऑर्गन हम लोग देख रहे हैं. ये होमोलोगस ऑर्गन क्या बता रहा है? कह रहा है कि दोज ऑर्गन दैट परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन. ये होमोलोगस ऑर्गन के बारे में हम लोग देख रहे हैं. कह रहा है कि दोज ऑर्गन दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. ये क्या कर रहा है? डिफरेंट फंक्शन बट द सिमिलर ओरिजिन. लेकिन इसका ओरिजिन क्या है? सिमिलर ओरिजिन है. उसको जो है सिमिलर ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर है. सिमिलर क्या है? ओरिजिन और स्ट्रक्चर है. उसको हम लोग कॉल्ड कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन. कह रहा है कि फॉर एग्जांपल, एग्जांपल में बता रहा है कि ह्यूमन है, चीता है, बैट है, वेल है, ये जो हैं हैव शेयर सिमिलरिटी इन पैटर्न ऑफ बोन. ये जो बोन है, क्या चीज़ का बोन है? फोर लिम्स का जो बोन है. ऑल्दो दोज फोर लिम्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन एनिमल. ये क्या करता है? डिफरेंट फंक्शन इन एनिमल करता है. इन दिस एनिमल सिमिलर स्ट्रक्चर डेवलप अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू एडेप्शन ऑफ डिफरेंट नीड. ये अडेप्टेशन हो गया. क्यों? डिफरेंट नीड के कारण अडेप्टेशन हो गया. दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इसको कहते हैं. होमोलोगस ऑर्गन जब भी आता है तो इसको हम लोग डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हम लोग कहते हैं. तो दो तरह के यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं हमें. एक तो दिखता है होमोलोगस स्ट्रक्चर और दूसरा दिखता है एनालोगस स्ट्रक्चर. एक दिखता है हमें होमोलोगस स्ट्रक्चर और दूसरा दिखता है एनालोगस स्ट्रक्चर. होमोलोगस स्ट्रक्चर में हम लोग देख रहे हैं सिमिलर इन एनाटॉमी. एनालोगस स्ट्रक्चर में क्या है? डिसिमिलर इन एनाटॉमी. और यहाँ पे है होमोलोगस स्ट्रक्चर में डूइंग अ डिसिमिलर फंक्शन. या एनालोगस में है डूइंग सिमिलर फंक्शन. यहाँ पे होमोलोगस में डेवलप इन रिलेटेड एनिमल और ये डेवलप इन अनरिलेटेड एनिमल. होमोलोगस ऑर्गन में क्या देख रहे हैं? इनहेरिटेड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स, नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर. और यहाँ पे क्या देख रहे हैं? होमोलोगस में सिमिलर डेवलपमेंट पैटर्न है. ये सिमिलर डेवलपमेंट पैटर्न है. एनालॉगस में
डेवलपमेंट पैटर्न इज नॉट सिमिलर। होमोलोगस ऑर्गन में सिमिलर स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन, और यहाँ पे एनालोगस में डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन। अब यहाँ पे हमें आ रहा है नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे एनालोगस स्ट्रक्चर, ये क्या कर रहा है, दे आर नॉट एनाटोमिकली सिमिलर ऑर्गन बट परफॉर्म, लेकिन ये परफॉर्म क्या कर रहा है, सिमिलर फंक्शन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई ऑफ मैमल्स एंड ऑक्टोपस और फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, दिस इज ड्यू टू सिमिलर हैबिट दैट रिजल्टेड इन सिमिलर एडाप्टेशन फीचर्स इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। दिस इज दैट ऑफ एवोल्यूशन कॉल्ड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। जब एनालोगस ऑर्गन आता है तो उसको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हम लोग कहते हैं। अब बता रहा है कि बायोकेमिकल एविडेंसेस क्या क्या है। बायोकेमिकल एविडेंसेस में बता रहा है कि सिमिलरिटी इन प्रोटीन एंड जीन परफॉर्मिंग ए गिवन फंक्शन अमॉन्ग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, ये डाइवर्स ऑर्गेनिज्म जो है, एंड गिव हिंट टू कॉमन एंसेस्ट्री। दिस बायोकेमिकल सिमिलरिटीज पॉइंट टू द सेम शेयर्ड एंसेस्ट्री एज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज अमॉन्ग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे दिया हुआ है फिर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। हम लोगों ने देखा है कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन किस में होता है, होमोलोगस ऑर्गन में, और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन किस में होता है, एनालोगस ऑर्गन में होता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। करें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में यहाँ पे कि डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट, यहाँ पे बता रहा है, क्या बता रहा है, डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर फॉर्म इज कॉल्ड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या बता रहा है, कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर एडाप्टेशन फंक्शनल स्ट्रक्चर इन अनरिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। दूसरा पॉइंट देख रहे हैं हम लोग डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में, होमोलोगस ऑर्गन सो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। होमोलोगस ऑर्गन जो है ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और यहाँ बता रहा है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में एनालोगस ऑर्गन सो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में एग्जांपल क्या है, डार्विन फिंचेस हैं, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है, लोकोमोशन इन मैमल्स हैं। और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का क्या है एग्जांपल, करे कि एग्जांपल जो है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है, प्लेसेंटल मैमल्स हैं, वेरियस एक्वाटिक वर्टिब्री हैं, एंड विंग ऑफ इंसेक्ट बर्ड एंड बैट ये है। अब ये देख रहे हैं हम लोग इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन जो है इसको हम लोग दूसरे पार्ट में करने की कोशिश करेंगे। इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन हम लोग दूसरे पार्ट में ये करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।